सेवेंथ क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज टेक द करेक्ट ऑप्शंस द लेयर बिलो इज कॉल्ड द पृथ्वी की सबसे निचली जो सतह है उसे मेंटल कहा जाता है मेंटल ओशियन सी रिवर्स लेक्स ग्लेशियर एंड वाटर वेपर टुगेदर फ्रॉम द इन सबको मिलाकर के महासागर सागर नदियाँ झील बर्फ ग्लेशियर वाष्प को मिलाकर के हाइड्रोस्फीयर बनता है जल मंडल बनता है हाइड्रोस्फीयर सेकंड का हाइड्रोस्फीयर थर्ड द फंक्शन इंसल्टिंग ब्लैंकेट प्रोटेक्टिंग द अर्थ यानी पृथ्वी का जो खाली क्षेत्र है उसकी रक्षा करता है एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर उसकी सुरक्षा करता है सुरक्षा का कार्य करता है इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस जो गैसों का मिश्रण है उसको ई कहते हैं गैसों का जो मिक्सचर है उसे एयर कहेंगे और फिफ्थ मेक्स आवर अर्थ ए यूनिक प्लेनेट एज इट सपोर्ट लाइफ बायोस्फीयर फिफ्थ में बायोस्फीयर आएगा बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फोर डोमेन्स ऑफ अर्थ पृथ्वी के चार डोमेन्स क्या हैं उनमें इसका आंसर होगा देयर आर फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर एटमोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर एंड चार डोमेन्स हैं लिथोस्फीयर स्थलमंडल एटमॉस्फेयर वायुमंडल हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और जीव मंडल बायोस्फीयर सेकंड क्वेश्चन डिफाइन बायोस्फीयर बायोस्फीयर डेफिनेशन है अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव यानी पृथ्वी का भाग पृथ्वी की सतह का भाग और वायु मंडल जिसमें पौधे और प्राणी रह सकते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर के अवयव जलमंडल के अवयव क्या क्या हैं तो थर्ड का आंसर होगा द कंपोनेंट्स आर ओशियन फ्रेश वाटर सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर ग्लेशियल वाटर एंड एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर यानी समुद्र का पानी सागरों का समुद्रों का पानी फ्रेश वाटर सतही जल भूमिगत जल पर्वतीय बर्फीला ग्लेशियर पहाड़ों का जल और एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर वायुमंडल का वाटर वेपर जल भाष्प क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाट आर बायोटिक एबायोटिक एलिमेंट्स मेड ऑफ एबायोटिक जो निर्जीव एलिमेंट्स हैं वो बनते हैं वो उसमें आएगा फोर्थ में एबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट का वो भाग जिसमें निर्जीव लोग निर्जीव चीज़ें होती हैं दैट कैन ऑफन हैव ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जीव जंतुओं पर अपना प्रभाव डालते हैं एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड वाटर सनलाइट ऑक्सीजन सॉइल एंड टेम्परेचर ये सारी चीज़ें हैं यानी सनलाइट सूर्य का प्रकाश पानी है ऑक्सीजन है मिट्टी है और टेम्परेचर ये सभी प्रभावित करते हैं एबायोटिक ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स हैं इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में कराएंगे इसके बाद आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक द
outermost layer of the earth is called crust. Outermost जो layer है पृथ्वी की उसको हम crust कहते हैं, crust. Land, water, air, second, land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. इसमें आएगा environment. और use water for various agriculture practice में आता है formulas. Fourth, the biosphere is divided into plant kingdom and animal kingdoms. Biosphere में आएगा. Human beings are an important component of the environment component. Sixth में biosphere is that part of the earth which contain and sustain life. Sixth में biosphere. Right tick the correct statement and cross out the wrong statements. Many types of land forms exist in the hydrosphere. Wrong. यानी अनेकों प्रकार के लैंड रूप पृथ्वी के स्वरूप नहीं होते हाइड्रोस्फीयर में, जलमंडल में. ये इसका आंसर रॉन्ग. किधर भरा हुआ है वैसे? रॉन्ग. और ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स लिव इन ए बायोस्फीयर. राइट. इन सभी प्रकार के जीवन वायुमंडल में, वो जीव मंडल में होता है. Expansion of agriculture result in cutting down for forest. यानी कृषि के विस्तार के लिए जंगलों को काटा जाता है उसके परिणाम स्वरूप. ये राइट है. Early human beings had very few needs and led a simple life. Right. जो प्रारंभिक मानव था, आदि मानव था, उसकी बहुत कम आवश्यकताएं थी और सारा जीवन था. और फिफ्थ, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लोएस्ट नियर द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सतह पर जो वायु का घनत्व है वो सबसे कम होता है. द डेंसिटी ऑफ एयर, वायु का घनत्व इज लोएस्ट, सबसे कम होता है नियर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर. ये रॉन्ग, जबकि वहाँ तो सबसे अधिक होता है. और अर्ली ह्यूमन बीइंग है वेरी फ्यू है नीड्स एंड लेड सिंपल है. अभी राइट है. और फिफ्थ रॉन्ग है. एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इंटरैक्ट विच विद ईच अदर. जो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र इंटरैक्ट करता है सभी अवयवों को एक दूसरे को. ये राइट है. अब आता है मैचअप. कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है. इसमें वाटर, वाटर आता है हाइड्रोस्फीयर. वाटर का मैचअप होगा हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल के साथ. लाइफ का मैचअप होगा बायोस्फीयर जीव मंडल के साथ. रॉक्स चट्टानों का संबंध होगा लिथोस्फीयर के साथ, स्थल मंडल के साथ. और एयर का संबंध होगा एटमॉस्फेयर के साथ, वायुमंडल के साथ. यानी वाटर में जलमंडल आएगा, लाइफ जीवन में जीवमंडल आएगा, रॉक्स में चट्टान में स्थलमंडल आएगा और एयर में एटमॉस्फेयर आएगा. फिनिश. दो एक्सरसाइज रह गई इसकी, एक्सरसाइज नंबर सी और एक्सरसाइज नंबर डी. इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. आज फिनिश.